आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया रहते हुए? 500 साल। क्या मकान तोड़ने से पहले आपको कोई नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं, छुप कर आए चोरी। जब हमें पता चला 10-11 बजे से पत्थर छत्तर फेंके तो फिर भागे सारे। आखिरकार आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं? हमारी डिमांड यह है कि हमें यहाँ के, हम रहने वाले लोग हैं, हमारी जो घास चराई ज़मीनें थीं वो भी जंगलात ने ले ली। हम माल मवेशी वाले लोग हैं, ऊँट रखे हैं, बेटे रखी हैं, पैसे रखी हैं, हमने सब कुछ रखा, हम कहाँ जाएंगे? बेसिकली बिल्कुल, मेरा बाप दादा पता नहीं कहाँ हजारों साल के इधर ही बैठे हैं। अगर इस गवर्नमेंट ने इन लोगों को ये बिजली क्यों दिया, गोबर गैस की ये क्यों दिया, अगर इन्होंने को घराना था, मैं गवर्नमेंट को यही पूछता हूँ, अगर इनको घराना था, लाल सिंह को घराना था या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को घराना था या मखूबा जी को घराना था, इनको पहले बिजली दिया, उसके बाद इनको हैंडपम्प लगा के दिया, उधर गोबर गैस के कनेक्शन दिए इनको, ये क्यों दिए? मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहता हूँ, तो अगर ये 55 या 56 मकान कराए गवर्नमेंट ने, क्यों कराए? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट ये लॉ लेके आता है, ये मतलब आपको प्रोविजन लेके आता है कि आप जंगल के अंदर हैं, आपको इतनी जमीन जो है आपके नाम से अलॉट हो जाएगी, मालिकी नहीं होगी, अलॉट होगी फॉर व्हाट, फॉर ग्रेजिंग एंड फॉर सम ऑफ देम वर कल्टीवेशन, कि अगर आप करना चाहें खानाबदोशी के साथ साथ, अगर ज़राअत करना चाहती हैं आप करिए, एक चीज़ ये होगी। और दूसरा कि जो फैसिलिटीज़ जो हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हैं, आपका बिजली पानी और सड़क, वो आपको वहीं पर दी जाएगी। कहाँ पर? जिस जंगल के अंदर भी आपको ये सब अलॉट किया जाता है। इससे क्या हो गया, आपका कल्चर भी बढ़ रहा है, आपके अगर आप जानवर पाल रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, स्टेट को प्रोडक्शन मिल रही है ना, प्रोडक्शन को स्टेट को मिल रही है, उससे स्टेट को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ से आपके जंगल भी सेफ हैं। तीसरी बात, एक कम्युनिटी को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो दो चीज़ें साथ में चल पड़ती हैं। तो जो आपकी वहाँ पे मकान वगैरह गिराया गया है उसमें आपको कोई नोटिस पहले मिला था? कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं। जब हमने अगर नोटिस मिलता था तो हम इतना मेहनत वहाँ नहीं करते थे, इतनी कष्ट नहीं उठाते थे। आपको वहाँ पे रहते हुए कितना समय हो गया था? मुझे वहाँ 12 साल हो गए। जो मकान आपका वहाँ पे गिराया गया या वहाँ पे जो आपकी जमीन है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? मेरे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे हमने वहाँ लोगों ने भी वहाँ कब्जा किया था, हमने भी वहाँ कब्जा करके बैठे थे। पहले झुग्गी जैसी बनाई थी, उसके बाद हमने वहाँ मकान बनाया। मकान बनाने के बाद लोगों ने सपोर्ट किया मेरा, मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, मेरी सपोर्ट की लोगों ने, कुछ अपना इनके पैसा जोड़ा, कुछ लोगों ने मदद किया, तो वो मेरे को एक मकान बना के वहाँ दिया। टांग नहीं है, हाथ नहीं है, अब पहाड़ में हम कैसे जाएं? इसलिए हम, हमारे ऊपर तो जुल्म हो रहा है ना यार, हमारा हक नहीं, लोग किसका हक बनेगा, हम कैसे कहाँ रहेंगे? बाहर बाहर के लोग आ गए, यहाँ थोड़ा उनका हक बन सकता है। झुग्गी डालेंगे लेकिन बच्चों को कितने टाइम तक बच्चों को झुग्गी में रखेंगे? बच्चे पढ़ाने भी हैं, आगे पीछे गुजारा कर रहे हैं, जब बच्चे हो जाएंगे बड़े तो तब तो हमारा भी कुछ चलेगा, लेकिन अभी तो बच्चों को चलाना है ना। हमें ये आदत है, हम खुद भीख मांग लेते हैं लेकिन बच्चों को भीख नहीं मांगते देते, उनको पढ़ा रहे हैं। तो पहाड़ में कैसे, वहाँ क्या गुजारा होगा हमारा? तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं पैदल चलने में, तो वहाँ हम फिर पहुँचेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे या क्या करेंगे? यानी थोड़ा ज़ख्म हो जाता है, कुछ हो जाता है पाँव में, हाथ में ज़ख्म हो जाता है। अब हम गवर्नमेंट को यही वादा करना चाहते हैं कि हमारे साथ मत छेड़िए और हमारी मदद कीजिए, और हमारे वो मकान वहाँ है, हमें रहने दीजिए।